अच्छा तो है यार। और ये कुछ हमारा हेलो Days का लॉकडाउन पीरियड है, उसको हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो सब आपसे शेयर करते हैं आज। अगर कोई पूछे आपसे कि आपने 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर क्या किया, और हमने क्या किया, हम कर रहे हैं टेंटिंग अपने टेरेस के ऊपर, स्टे होम स्टे सेफ। तो बाहर जाने सकते, घर पे बैठे बोर हो रहे हो तो क्या करें, मेरे दिमाग में ना नई नई बातें आ रही थी, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, क्यों ना घर पे बैठे बैठे एक टेंटिंग का फील हो और आज की रात इस टेंट के अंदर बिताई जाए और बना के खाया जाए, कुछ कैंप फायर किया जाए, कुछ टेंट लगाया जाए। बाहर हम जा नहीं सकते, टेंट हमारे पास में है। टेंट लगाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए होती एक अच्छी सी नेटिंग की जगह, और उसके नीचे एक बेस हम तैयार कर लेते हैं इस कपड़े से, ताकि जो हम इसमें रहें रात को और जब मूव करें तब ये नीचे खिसकने के बाद में ख़राब ना हो। चिप्स चढ़ सकते हैं इनको अभी, और ये रोप है इसके अंदर जो हमें ज़रूरत नहीं है, जो अगर मिट्टी होती तब इस रोप की ज़रूरत पड़ती। ये इसके ऊपर का कवर है तो हम सबसे बाद में लगाएंगे। दो सेटअप है इसके अंदर, एक लेफ्ट लगता है एक राइट लगता है। ये तैयार हो गया इसका बेस, अब ज़रूरत है इसके ऊपर कवर करने की, ताकि अगर बारिश आती रात को उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो कवर लगाते हैं और उसको अच्छे से बांधते हैं इसके ऊपर। अब इसके चारों तरफ एक क्लिप लगी हुई है जिससे ये हमारा कपड़ा रात को हवा आने पर उड़े नहीं। पीछे वाले फोल्ड करके स्ट्रिप है इसके प्लास्टिक की, इसको यहाँ लॉक कर देते हैं, ये फोल्ड हो जाएगा, बहुत इजी है। इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद में ये जो इलास्टिक है इसको जो बाहर वाला एरिया था इसमें सब ना लॉक कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शंस कुछ डिकैथलॉन की तरफ से, ये डिकैथलॉन कंपनी का नाम, और हमारा कुछ टेंट इस तरीके से दिख रहा है अंदर से। ये हमारा सेटअप आज रात को सोने का, ये आज रात के लिए स्टे हमारा लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना 21 डेज। तो आज हम यहीं रहेंगे, और ये हो गया हमारा टेंट का सेटअप। अब बनाते हैं मैगी, क्योंकि रात को भूख भी लगेगी, कुछ कैंप फायर भी करते हैं। तो जो मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ वो ये रखी हुई है। क्या क्या ज़रूरत है हमें कैंप फायर के अंदर, लकड़ियों की, माचिस की, और कुछ कोयले, कुछ न्यूज़पेपर्स या कुछ रद्दी पेपर्स, और कुछ सूखी लकड़ियाँ, क्योंकि हम टेरेस पे कैंप फायर करेंगे, इसलिए हमने छोटा सामने ही क्या बोलते हैं उसको, तगारी बट्ठल समथिंग कुछ ना ये रखा हुआ है। टेंट रेडी है, कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ कोयले न्यूज़पेपर रेडी है। तो ये हमारा एक दिन का सेटअप, इवनिंग से लेके अगले दिन मॉर्निंग तक हमने सेटअप किया, टेंट लगाया, और टेंट की जो लंबाई चौड़ाई है वो नॉर्मली मैं आराम से इसमें सो सकता हूँ। अगर हम दो जने हों तो थोड़ा सा
अनकंफर्ट रहेगा, और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं राइडिंग के दौरान जो हमारा सामान होता है वो इजीली इतनी जगह में हम इसको रख सकते हैं आराम से, और हम यहाँ पर सो सकते हैं। 21 दिन जो लॉकडाउन हम फील कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे टाइम काट रहे हैं, और इससे अच्छा मुझे ऑप्शन अब लगा नहीं कि मुझे आज एक दिन या और एक रात पूरी टेंट में बितानी चाहिए। थोड़ा सा एक होता है ना रूटीन जो चल रहा है थोड़ा चेंज होगा उसके अंदर और अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। तो फिलहाल अभी सेटअप सेट है बिल्कुल, कैंप फायर वैम्पर सब हमने बुझा दिया है, डिनर हो गया, कैंप फायर इन्जॉय कर लिया, बुझा दिया, उसको बंद कर दिया पानी डाल के, और अभी इस टेंट को बंद करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें मैं बताऊँ आपको, अगर हमें जब सोना है रात को तो इसको हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं, और इसके ऊपर नेट लगा हुआ है, इसको रात को सोने के टाइम पे इसको बंद कर देंगे ताकि नेट से हवा आती रहे। और एक पीछे इस तरफ ये जो नेट है मैं दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन के लिए काम आएगा, नेट लगा हुआ है पूरा, इसमें हवा आती रहेगी रात को। तो ये था हमारा एक छोटा सा लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने आप को डाइवर्ट करने का, अपने आप को एक आउटिंग वाला फील करवाने का, घर बैठे बैठे बोर हो चुके थे उसकी वजह से हमें फील आया कि हम बाहर जा रहे हैं कहीं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, ये था हमारा छोटा सा मैसेज कि खाली दिमाग के अंदर नई नई चीज़ें किस तरीके से आ सकती हैं, नई नई चीज़ों को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को एक तरीका अच्छा लगा तो मैंने यूज़ किया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट। आज एक्चुअल गुड नाइट है, मैं हर व्लॉग में कहता हूँ भाई गुड नाइट, उसमें गुड नाइट होती नहीं है, पर आज जो है वो गुड नाइट वाला फील है, तो एक लग रहा है कि हाँ भाई सच में गुड नाइट है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अब मच्छर अच्छा ना आ जाए उससे पहले इसको बंद कर लेते हैं। ये जगह ऑक्सीजन के लिए, मच्छर उच्छर बिल्कुल नहीं आ सकते, अब हो गए हम पैक। ओके चलो बाय बाय।